कोतवाली क्षेत्र के सेफपुर समोधा गांव में उस समय कोहराम मच गया जब वहां के निवासी सोमेश उम्र 23 वर्ष पुत्र ब्रजेश कुमार की कानपुर में एक्सीडेंट में मौत हो गई। जैसे ही यह खबर गांव में पहुंचती है उनके घर में शोक का माहौल हो जाता है। हम आपको बता दें कि सोमेश कानपुर में रहते थे और वहां पर वह तिहाड़ी मजदूरी के रूप में एक बेकरी में काम करते थे और अपना इलाज भी करा रहे थे। बताया जा रहा है कि जब सोमेश दवा लेने के लिए टेम्पो से अस्पताल जा रहे थे तभी अकबरपुर कानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्रा गांव के पास तेज रफ्तार आ रहे डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। परिजनों को सूचना मिलते ही चीख पुकार मच गई है। मृतक बहुत ही सामान्य घर से था, किसी तरह तिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करवा रहा था, लेकिन इस घटना के बाद से उसके घर पर कोहराम मच गया है। मृतक के पिता ब्रजेश कुमार व पूरा परिवार शोकाकुल है। S7 की डेस्क रिपोर्ट।